नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। समाज से इंसानियत मरती जा रही है और हवस हावी होती जा रही है। महिलाओं से रेप के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आरा में तो अपराधियों ने उस वारदात को अंजाम दे डाला जिस पर वहशत भी शर्मसार हो जाए। आरोप है कि एक मूक बधिर लड़की से रेप किया गया और पीड़ित की माँ और बहन की जमकर पिटाई कर दी गई। सवाल ये कि इस तरह की वारदात लगातार क्यों बढ़ रही है और कानून को और कड़ा करने के लिए क्या नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। जनाक्रोश में इन्हीं सवालों पर आपकी राय जानेंगे। आरा में एक मूक बधिर महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेघटा गांव का है, जहां दो लोगों ने मूक बधिर लड़की को कमरे में बंद कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों ने पीड़ित की मां और बहन के साथ भी मारपीट की, जब उन दोनों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की। वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़ित के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म का ये मामला, दो व्यक्ति आरोपी हैं और दोनों पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इसके साथ बलात्कार हुआ है, इसका गांव का लड़का ही किया है। कितने लोग थे, क्या बता रहे थे? विशेष तो हमको जानकारी नहीं है, हम आए हैं मेडिकल कराने के लिए। फिर भी इतना जानकारी है कि इसके साथ एक लड़का रेप किया है और जब विरोध की है इसका बहन ने तो मारपीट किया है। मारपीट में कई लोग हैं, तो चार आदमी के मारे हैं, पांच आदमी को। तो ऐसा लगता है जैसे महिलाओं के साथ हो रहे इस तरह की वारदातों में कानून काफी नहीं है रोक लगाने के लिए, कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है? आप भी इस विषय पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दुष्कर्म का ये मामला कड़े कानूनों के बावजूद भी रुकता नहीं दिख रहा, लगातार इस तरह की वारदातों में इजाफा ही हो रहा है। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आरा का ये मामला, जहां एक मूक बधिर महिला के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया जाता है, उसकी माँ और बहन जब बचाने आती हैं तो उन दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है और पुलिस में जब मामला दर्ज कराया जाता है तो पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन आरोपी उनकी गिरफ्त से दूर हैं। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान, 70 वर्ष आजादी की हो गई लेकिन महिलाओं की आजादी आज भी बनती है। सरकार की नीति मूल रवैया रहने के कारण से आज महिलाओं के साथ इस तरह से, क्योंकि कठोर कानून बनने के बाद ही पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती है तो कभी राजनेता उस पर ढील दिए रहते हैं। इस तरह से अगर कार्रवाई होगी तो हम महिलाओं का जान कहाँ उठेगा। मैं चाहता हूँ सर सरकार से कि इस पर गति से कार्रवाई करते हुए सबसे आरोपी को सजा दिया जाए, ताकि इस तरह का अवैध काम करने से वंचित हो सके। और मैं सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि उसे ठोस नीति बनाए और त्वरित कार्रवाई करने की चिंता की जाए, ताकि जो महिला के साथ इस तरह का कार्रवाई होता है उसी तरह से उनकी सजा भी मुकम्मल की जाने की व्यवस्था की जाए, तभी जाकर के व्यवस्था और सामाजिक चेतना भी लाने की जरूरत है, जिसके कारण से ये समाज में न हो। जी धन्यवाद रंजीत जी, अपनी बात न्यूज़ इंडिया के साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। पटना से एक दर्शक रामेश्वर प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी मेरा कहना है कि ये जो भी अपराध बढ़ रहा है इस पर सरकार द्वारा कड़ी नियंत्रण की जरूरत थी। सरकार धरातल पर काम न करके और बड़ी बड़ी जैसे पुराने कानून को अब नया कानून बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग बहुत दिन से जानते थे, बहुत वर्षों से जान रहे थे कि दहेज लेना देना अपराध है, बाल विवाह अपराध है,
कानूनन अपराध है, इसकी सजा होती है। लेकिन अब ये नया बन के आ रहा है, अब नया बन के आ रहा है तो पता नहीं कौन कानून कोर्ट मानेगा, नयका वाला या पुरनका वाला। लेकिन ये जो थाना द्वारा लापरवाही और भय मुक्त होता जा रहा है अपराध की, और जगह जगह अपराध करने में कोई भय लोगों में नहीं है और अपराध आसानी से करके निकल जाता है, अगर पकड़ा भी गया तो पुलिस मैनेज हो जाता है, शायद मीडिया की नजर में आ गया तो वो केस बन जाता है और ज्यादा पॉपुलर हो जाने के बाद उस केस की सजा भी होती है। वो भी अगर दबंग के हाथ में चला गया तो 20 साल 22 साल उस अपराध को सिद्ध होने में लग जाता है। जैसे एक नेताजी 22 साल पर उनका अपराध सिद्ध हुआ था, सजा हुआ 22 साल के बाद। 22 साल पे अगर पहले मर गए होते तो बिना सजा ही काटे जिंदगी त्याग देते। तो ऐसी जहाँ कानूनी व्यवस्था हो, बहुत गरीब पर कानून जो है 6 महीना में निर्णय ले लेती है, अब बड़ों बड़ों को 60 साल 70 साल लग जाता है निर्णय होने में, तो ऐसा लापरवाही थाना के प्रति तो भय मुक्त है। जितना क्रिमिनल है वो भय मुक्त है, उसको डर भय कहीं नहीं है, न पुलिस से न कानून से, वो अपराध आसानी से कर देता है। अगर ये भय होता तो एक महिला की तरफ नजर उठाने में डर लगता। बिल्कुल, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद रामेश्वर जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी गणेश जी बोलिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर इन हैवानों पर कैसे रोक लगाई जाए, किस तरह से बढ़ती इन वारदातों को रोका जाए, कैसे कानून का खौफ हो अपराधियों में और कुछ गलत करने से पहले सोचकर ही सिहर उठें, ऐसी व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। आरा का ये मामला, बंगाल से एक दर्शक हरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हरी जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये ऐसा मेरी राय है कि इसमें जो है सरकार जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनाएगी तब तक कुछ व्यवस्था नहीं हो पाएगा इस समस्या के बारे में। क्योंकि कानून जो है, जो हल्के फुल्के कानून होते हैं उसमें क्या होता है कि पुलिस थाना या अगल बगल के कुछ नेता भी उसमें सक्षम नहीं हो जाते हैं, वो मामले को क्या करते हैं कि रफा दफा करवा देते हैं। इससे जब तक सरकार जो है सख्त कानून नहीं पास करेगी, कोई सख्त कानून नहीं बनाएगी, तब से लोगों में भय है व्याप्त नहीं होगा जी। इसीलिए युवक जो है, खास करके जो मंथले लोग होते हैं, इसमें इस तरह घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि सख्त कानून नहीं है हमारे हमारे जो विधानसभा हो या राज्य स्तर का हो या केंद्र स्तर का हो, सख्त कानून नहीं है। और कानून पारित करवाने के लिए, कानून पारित करने के लिए पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं करता सर, हमें पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं जी। पुलिस प्रशासन जो है, अगर वो ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, बिल्कुल पुलिस की भूमिका पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद हरी जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देवघर से एक दर्शक राकेश प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, सबसे पहला चीज है कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया में हर चीज पारदर्शी हो रही है, उस तरह कानून व्यवस्था को भी पारदर्शी होना अति आवश्यक है। और इस आवश्यक चीज को भी हम लोग बहुत जोर शोर से उठा सके, इसमें हमारी भूमिका क्या होगी और प्रशासन की भूमिका क्या होगी, इन सबको एक सूत्र में बांध कर ही किस अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। और जो कानून व्यवस्था की लचर पचर स्थिति है
उसको जल्द से जल्द सुधार कर और हर कानून व्यवस्था में अपराधियों को जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक्शन लेना ही चाहिए सरकार को, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या देश स्तरीय हो। किसी भी राज्य में इस तरह की घटना घटना बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही सर्वनाश है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राकेश जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर कैसे महिलाओं पर हो रहे इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सके, आखिर ऐसे क्या किया जाए कि ऐसे गलत सोच दिमाग में आने से पहले ही व्यक्ति सिहर उठे। कानून पर कैसे भरोसा किया जाए जब इस तरह के मामले वर्षों खींचते हैं और अपराधी कानून के साथ कबड्डी खेलकर आराम करते हैं। सुपौल से एक दर्शक मुन्ना जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर ये तो ऐसा कुकर्म है कि इंसानियत के नाम, पूरे इंसानियत के नाम पर ये कलंक है कि अब महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर की बात ही छोड़ दी जाए। मुझको तो लगता है कि ये जंगल राज का एक बहुत बड़ा जो लोग को भय था वो फिर से वापस आ गया है। और दूसरा ये कि महिलाएं अब सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि अब घर में वो देख रहे हैं कि एक शरीर से बेचारी लाचार है, मुख बधिर महिलाएं है, उसके साथ रेप हो जा रहा है, घर में जाकर लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि क्राइम करने वाले कितने आजाद हो गए हैं, इसको कानून का कोई खौफ नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारा कानून व्यवस्था इतना लचर हो गया है कि उसको मजबूत करने की कोशिश की जानी चाहिए और हम समाज के अंदर भी जागृति होनी चाहिए कि वैसे कुकर्मी को समाज से बायकॉट करें लोग, और कानून को चाहिए ये कि वैसे लोगों को तुरंत पकड़े और पकड़ के बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए ताकि महिलाओं की इज्जत बरकरार रहे, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को सोचना पड़े बात परवाड़ के हम क्या करने जा रहे हैं और हमारे साथ क्या होने वाला है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि पुलिस बल की जो संख्या होनी चाहिए हमारी सोसाइटी की हिफाजत के लिए, उस सोसाइटी के पुलिस उतनी हिफाजत के लिए बल पुलिस बल है नहीं, लेकिन नेताओं और बड़े बड़े विधायकों के आगे पीछे एक आदमी के आगे पीछे 10-10 और 25-25 और 50-50 पुलिस कर्मी लगे रहते हैं। हमको चाहिए कि जनप्रतिनिधि को क्यों चाहिए भाई आपको सुरक्षा, हम समाज को, हम समाज के लोग तुम आपको चुन के भेजते हैं, हम समाज के लोगों को चाहिए सुरक्षा। इसके लिए खासकर के महिलाओं के लिए सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है और वैसे लोग जो कर्मी हैं, जो कुकर्म करता है, वैसे लोगों को सामाजिक बायकॉट होना ही चाहिए और पुलिस के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से वैसे लोगों को भी चुनाव पर गोली मार देना चाहिए। जी धन्यवाद मुन्ना जी अपनी बात न्यूज इंडिया के साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार, बोलिए। सबसे पहले तो सर हम यही कहना चाहेंगे कि बिना भय के पीठ न हो, कानून तो कठोर होना ही चाहिए, मोरलिटी में भी सुधार होना चाहिए। एक समय था कि रात में लोग यात्रा करते थे, गंगा स्नान करते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आदमी से आदमी को बड़ा उद्देश करके खुशी होती थी। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि आदमी को आदमी देख करके प्रेस नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कानून तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ आदमी को जरूरी है। जी धन्यवाद गणेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दिल्ली में हुई दुष्कर्म की वारदात के बाद कानून को तो कठोर किया गया, लेकिन कड़े कानून भी इस तरह के वारदातों पर रोक लगाने की गारंटी नहीं बन पाई। आखिर क्या किया जा सकता है ताकि ऐसे घटनाओं पर रोक लगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और महिलाएं निश्चिंत होकर न केवल बाहर निकल सकें बल्कि घर में भी महफूज महसूस करें।
पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मेरा कहना एक ही है कि जिस समाज के अंदर सिस्टम जो है मुंह देख के काम करता हो, पैसे के लिए काम करता हो, जाति और धर्म देखता हो, वहां तो होगा ही। घटने के बजाय दिन प्रतिदिन इस तरह की समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं जनता के साथ, वो बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। सबसे बड़ा कसूरवार समाज है, समाज के अंदर ही ये सारे सिस्टम जो है ना आते हैं। आप कहते हैं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इतना बेकूफ भी नहीं हूँ कि नहीं समझता हूँ। एक ही न्यायालय में जो मेन अभियुक्त है, जिसको हम लोग क्या दुनिया जानती है, उसको जो है कि उसकी बात मान ली जाती है, उसको रिलीफ दे दिया जाता है, और एक आदमी आग्रह करता है, उसको कहता है कि नहीं, तुमको हम नहीं रिलीफ देंगे, तुमको हम जैसे कह रहे हैं वैसे। तो जिस देश में, जिस राज्य में इस तरह का जी कहिए कि अभी तक इस देश में जो है ना फिर युद्ध नहीं हुआ है, एक आदमी दूसरे खून ऐसा नहीं हुआ है, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। कोई किसी से कम नहीं है, हर कोई कमाता है, हर कोई चाहता है। मैं पूछता हूँ, ये सिस्टम में बैठने वाले के कितने का परिवार है जिनका जिनका गार्जियन जो है कि घूस का पैसा कमा के लेके जाके किसी गरीब को तंग करके सता के पैसा लेके जाता है, उसके घर में सवाल किया जाता है कि ये पैसा किसी के दिल आत्मा को दुखा के तो नहीं ना लाए हैं। बहुत सारी बात है समाज में, मैं भी पैदा लिया हूँ, आप लोग भी लिए हैं, सारी दुनिया ली है। बिल्कुल, समाज को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नालंदा से एक दर्शक राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी इस मुद्दे पर हमें लगता है कि समाज और सरकार दोनों का दोषी है। हम और हमारा समाज जो है, आज जो समाज में कानून का भय नाम का कोई चीज नहीं है, जो दुष्कर्म की ऐसी घटना होती है, जो जघन अपराध होता है, हमें लगता है कि कहीं कहीं से समाज और कानून इस मायने में होती है कि घटना होती है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है पक्षपात किया जाता है, जात पात के द्वारा, पोलिटिकल सत्ता पात विपक्ष के द्वारा, इस तरह का जो है जो कार्यक्रम चलता है नेताओं का, जो अपराधी सजा देने में सत्ता पक्ष है तो कम कार्रवाई करो, विपक्ष का तो ज्यादा कार्रवाई करो, इस तरह के जो है। और समाज में जो हम आप जो है जात पात के नाम पर हमारा समाज के हमारा जाति का लोग अगर अपराधी है जी, तो उसे बताने का प्रयास करें, ताकि मतलब जो है कि समाज भी दोषी है, राज्य दोषी है ही, हम और हमारा समाज भी कभी दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसे अपराधियों को पोसता है, पालता है समाज जी। तो एक दोस्त दोनों का है बराबर का, और साथ का कानून सरकार का जिस तरह का रवैया होता है पक्षपात, कानूनी कार्रवाई करने में पक्षपात, ये सबसे बड़ी समस्या के, क्योंकि अपराधियों के मन में कानून का तो भय नहीं रहता है। बिल्कुल, कानून समाज सबको एकजुट होकर इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। धन्यवाद राकेश जी अपनी बात न्यूज इंडिया के साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या आखिर क्या कार्रवाई की जाए? तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पे कॉल करें और अपनी बात इस मुद्दे पर हमारे साथ साझा करें। महिलाएं आखिर कब महफूज महसूस करेंगी? घर हो या बाहर, कोई भी ठिकाना ऐसा नहीं जहां वो खुद को महफूज कह सकें। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ
हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अखिलेश पांडे पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी अखिलेश जी, बोलिए जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक महिला अत्याचार के बारे में बातचीत हम कर रहे हैं, महिला पर अत्याचार सिर्फ एक आदमी और एक समाज दोषी नहीं है। अगर जितना पुरुष वर्ग दोषी है उतना महिला वर्ग भी है। अगर महिला वर्ग को भी इसमें आगे बढ़कर आना पड़ेगा, इसमें उनको जी खुद वो आत्मरक्षक बने, उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था, उनको इस तरह की अगर व्यवस्था की जाए तो समाज में ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन होगा। मैं दो बेटी के बाप, मेरा एक बेटी का उम्र 3 साल है और एक बेटी का उम्र 28 साल है जी। और दोनों की स्थिति बहुत ही, तो हम ये कहना चाहेंगे कि कभी भी कोई एक जो लड़की का बाप होता है वो हमेशा सोचता है कि क्या मेरी बेटी सुबह स्कूल जाएगी तो शाम को अच्छे से घर आ जाएगी जी जी। तो इस स्थिति को देखते हुए अगर हम लोग इस समाज को सुधार हुए आगे न बढ़ेंगे, हम आप सब लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सिर्फ मेरे आगे बढ़ने से, एक सिर्फ आपके आगे बढ़ने से नहीं हुआ। समाज को कैसे जागृति किया जाए इसके बारे में सोचना होगा। और ये आपके कार्यक्रम के टेलीविजन के माध्यम हो, नुक्कड़ सभा के माध्यम हो, बहुत ऐसी चीज है जिसके माध्यम हम लोग कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम हो, टेलीविजन के माध्यम हो, मैंने 50 माध्यम आज के डेट में सोशल मीडिया है, बहुत तरह के है, और बहनों की, माताओं की, लड़कियों के सारे को आगे लाने की जरूरत है। और उनको ये दिखाने और साथ साथ हम लोग भी दिखाना पड़ेगा जिस तरह से अगर आज के रेट में आईफोन अगर आप खरीदे या कोई फोन बना करते और उस पर कवर की जरूरत है, उस तरह हमारी माँ और बेटियों को अगर थोड़ा सा फैशन को कम कर दे तो शायद ये आज ये लोग जी। अखिलेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बेटी का बाप जिस तरह से अभी अखिलेश जी बता रहे थे, हर समय दहशत में रहता है। जो सामाजिक स्थिति हो गई है, जिस तरह से आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हो रहा है और कानून का खौफ नहीं रहा लोगों में, तो स्वाभाविक है कि एक बाप अपनी बेटियों को लेकर हमेशा चिंतित ही रहता है कि अगर वो घर से बाहर निकली तो सुरक्षित सही सलामत घर वापस तो आ जाएगी ना। केवल बाहर के ही खतरे नहीं, घर के अंदर भी ऐसे खतरे मौजूद रहते हैं। जिस तरह का ये वाक्या आरा में देखने को मिला, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर मूक बधिर के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और रोकने पर उसकी मां और बहन के साथ बुरे तरीके से मारपीट की गई। आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।